विंध्य जनता पार्टी के प्रत्याशी पड़े अलग थलग। जयसिंह नगर प्रत्याशी बोले, पार्टी सुप्रीमो ने दिया धोखा। त्रिपाठी ने कहा, मुझे नहीं लड़ना था चुनाव। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। विंध्य की राजनीति में अब एक नया भूचाल आ गया है। भाजपा और कांग्रेस से बगावत कर विंध्य जनता पार्टी बनाने वाले नारायण त्रिपाठी अब खुद अपनी ही पार्टी के उम्मीदवारों से घिर गए हैं। अलग विंध्य प्रदेश की मांग करने वाली बीजेपी के उम्मीदवारों ने नारायण त्रिपाठी पर असहयोग करने और धोखा देने का आरोप लगाया है। वहीं पार्टी सुप्रीमो नारायण त्रिपाठी ने कहा कि यह बात सही है कि हमने जल्दबाजी में बिना तैयारी के ही उम्मीदवार उतार दिए और मैं खुद चुनाव लड़ गया। मुझे चुनाव नहीं लड़ना था, मैं खुद चुनाव लड़कर अपने प्रत्याशियों की मदद नहीं कर पा रहा हूँ। बीजेपी के 29 उम्मीदवार लड़ रहे चुनाव। विंध्य जनता पार्टी विंध्य समेत पूरे प्रदेश की 29 सीटों में चुनाव लड़ रही है। 32 उम्मीदवारों की सूची घोषित की गई थी, जिसमें कुछ नाम वापसी और फॉर्म रिजेक्ट होने के कारण चुनाव नहीं लड़ पाए। शहडोल संभाग की 8 विधानसभा में 5 सीटों पर ही उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि बीजेपी ने 8 सीट पर नाम घोषित किए थे। फूलवती बोली, नारायण त्रिपाठी ने दिया धोखा। जयसिंह नगर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार व शहडोल जिला पंचायत उपाध्यक्ष फूलवती सिंह ने पार्टी के सुप्रीमो नारायण त्रिपाठी पर बड़ा आरोप लगाया है। फूलवती ने कहा कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ना चाह रही थी। नारायण त्रिपाठी ने मुझे अपनी पार्टी से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया और कहा कि अगर आप बीजेपी से चुनाव लड़ेंगी तो हम बैनर पोस्टर समेत अन्य खर्चों के लिए 20 लाख रुपए तक की मदद करेंगे। अब बोलते हैं, माफ करना, मैं शर्मिंदा हूँ। फूलवती सिंह ने कहा कि उनसे मदद की उम्मीद मिलने के बाद मैंने निर्दलीय की जगह बीजेपी से चुनाव लड़ लिया। अब वो अपने वादे से मुकर रहे हैं, वो किसी प्रकार से मेरी कोई मदद नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने कहा कि एक दिन के लिए चुनाव प्रचार के लिए ही शहडोल आ जाइए तो कहते हैं माफ करना, मैं शर्मिंदा हूँ, खुद चुनाव लड़कर मैं अपनी पार्टी में ही फंस गया हूँ। अब उधार पैसे लेकर लड़ रही चुनाव। बीजेपी की उम्मीदवार फूलवती सिंह का कहना है कि अब मैं उधार पैसे लेकर चुनाव लड़ रही हूं। जब निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी तो लोग मेरे समर्थन में थे, लेकिन जब बीजेपी से चुनाव लड़ने लगी तो वो लोग पीछे हट गए। अब मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, नारायण त्रिपाठी फोन नहीं उठाते, स्थानीय नेता भी कोई मदद नहीं करते। अंतिम समय में दोनों पार्टी ने दिया था ऑफर। भाजपा से बगावत कर चुनाव लड़ने का फैसला लेने वाली जिला पंचायत उपाध्यक्ष फूलवती सिंह ने बताया कि अंतिम समय में मुझे दोनों पार्टी ने ऑफर दिया था। जनता चाहती थी मैं चुनाव लड़ूं, इसलिए मैं चुनाव लड़ी। भाजपा जिला अध्यक्ष कमल प्रताप सिंह ने एक बड़ा पद और खर्चे की भरपाई करने का ऑफर दिया था, लेकिन मैंने जनता के साथ धोखा नहीं किया। हम जल्दबाजी में चुनाव लड़ गए त्रिपाठी। बीजेपी के सुप्रीमो और मेहर सीट से उम्मीदवार नारायण त्रिपाठी इस बात को मान रहे हैं कि हम लोगों ने बिना तैयारी के ही जल्दबाजी में चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। मुझे खुद चुनाव नहीं लड़ना था, लेकिन समर्थकों के कारण मैं चुनावी मैदान में उतरा। खुद प्रत्याशी होने के कारण मैं मेहर सीट तक सीमित रह गया। सतना तक चुनाव प्रचार में नहीं जा पा रहा हूं। हम चुनाव जीतने नहीं बल्कि विंध्य जनता पार्टी को खड़ा करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। फूलवती हमारी सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कैसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।